अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ, हाउ टू रीड पीएफआर, यानी पीएफआर को हम किस तरह रीड कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया है वो और समझाने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। पीएफआर रीड करने के लिए सबसे पहले ये है कि आपने मेंटेनेंस पोस्ट फ्लाइट रिपोर्ट लिखी हुई है, इसमें किस तरह इसको रीड करते हैं। सबसे पहले पीएफआर में एयरक्राफ्ट की आइडेंटिफिकेशन आती है, आईडी आती है, डेट, जीएमटी, फ्लाइट नंबर और इसके डेस्टिनेशन आती है। मेन कंसर्न जो है हमारा इन दो ब्लॉक्स में, वार्निंग मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज क्या होते हैं और फेलियर मैसेज क्या होते हैं और ये कहाँ डिस्प्ले होते हैं। बेसिकली वार्निंग मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज जो होते हैं आर शोन अपर एंड लोअर एकम। अपर लोअर एकम आपको पता है जो 320 में काम करते हैं। अपर एकम बेसिकली क्या होता है, जिसमें इंजन पैरामीटर आते हैं और उसी के नीचे एक मेमो होता है, वहाँ पर ये फॉल्ट डिस्प्ले होते हैं। और लोअर एकम के लिए आपने स्टेटस का पेज दबाना होगा तो लोअर एकम पे ये फॉल्ट डिस्प्ले होगा। यानी ये जो वार्निंग मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज है जिसमें ये फॉल्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आती हैं। एक तो जीएमटी इसका टाइम आता है, फेज आता है, ईटी आता है। तो आपने देखा ये वाला जितनी भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ आएगी, वार्निंग मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज अपर और लोअर एकम दोनों पर आती है। अब बात करते हैं हम फेलियर मैसेज की, फेलियर मैसेज कहाँ डिस्प्ले होते हैं और क्या होते हैं। फेलियर मैसेज आपको अपर और लोअर एकम में नहीं मिलेंगे। फेलियर मैसेज को देखने के लिए आपको बेसिकली सोर्स, जैसे फेलियर मैसेज में क्या है, सोर्स इज अ कंप्यूटर, यानी वो कंप्यूटर जिसने फॉल्ट जनरेट किया, उस कंप्यूटर में किस तरह जाते हैं, उस पर जाने का तरीका है कि आप एमसीडी में जाएंगे, सीएमटीएस में जाएंगे, सिस्टम रिपोर्ट में जाएंगे और पर्टिकुलर MMR1 के जो है बेसिकली कंप्यूटर में जाएंगे, तो उसके लास्ट लाइफ रिपोर्ट निकालेंगे तो ये जो फॉल्ट है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। तो इस फॉल्ट को देखने के लिए ये प्रोसीजर है जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। फिर बेसिकली फेलियर मैसेज में क्या क्या आता है, इसमें भी जीएमटी है, फेज है और एटी है, चैप्टर है। अब हम इसका फर्दर जो डिस्कस कर लेते हैं कि ये किस तरह होता है, क्या होता है। बेसिकली सबसे पहले मैंने जिक्र किया था वार्निंग मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज, इसमें क्या चीज़ जिक्र किया था, एटी है। एटी क्या होता है, एटी इज द फर्स्ट सस्पेक्टेड कंपोनेंट एंड एंट्री पॉइंट टू द टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन, यानी जब भी कोई फॉल्ट आएगा तो वो ATM उसका मेंशन होगा। जब ATM मेंशन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉल्ट किस सिस्टम को रिलेट कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि सोर्स, अब सोर्स यहाँ आप फेलियर मैसेज देखें, सोर्स क्या है, MMR1 MMR1 इस LRU कंप्यूटर है, क्या कहते हैं, कंप्यूटर विच जनरेटेड द मेंटेनेंस मैसेज, यानी इस कंप्यूटर ने ये जो मैसेज ऊपर आया है और नीचे आया है इसने ये मैसेज जनरेट किया है, ठीक है। फिर इसके बाद होते हैं आइडेंटिफायर, इसमें आइडेंटिफायर शो नहीं करता, जब आइडेंटिफायर शो करेगा तो ये भी एक LRU होता है, तो उसका क्या होता है, दी आइडेंटिफिकेशन, यानी आइडेंटिफायर का मतलब है दी आइडेंटिफायर आर द कंप्यूटर्स विच हैव ऑल्सो रिएक्टेड इन रिलेशन टू द फॉल्ट बाय जनरेटिंग, यानी दूसरा कोई कंप्यूटर है उसको भी इफेक्ट हुआ इस फॉल्ट की वजह से, तो वो भी यहाँ शुरू होगा जिसमें इसकी रिलेशन को रिलेशन होगी फॉल्ट की, ठीक है। दूसरा हमने देखा है कि यानी मेंटेनेंस स्टेटस मैसेज में फॉल्ट के आगे टू लिखा है, टू होता क्या है, ये नंबरिंग की होती है, नंबरिंग इसलिए होती है कि मेंटेनेंस स्टेटस वाज सेंड टू कंसेक्यूटिव टाइम्स टू CFDIU रिकॉर्डिंग, यानी दो दफ़ा ये फॉल्ट जो है दो दफ़ा किससे रिकॉर्ड हुआ, दो दफ़ा रिकॉर्ड हुआ थ्रू CFDIU से। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू था और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।